अगर आप लोग गौर से देखो तो हेल्थ के नेम पे मेरे पास कुछ भी नहीं है और बंदे मेरे ऊपर रस करे जा रहे हैं। और भाई लोग ठीक ऐसा ही मेरे साथ यहाँ पे हुआ था। डीवीएस वाला बंदा मेरे ऊपर अंधा रस कर रहा था और मेरे बचने के चांस ना के बराबर थे। और यहाँ पर मैंने ये वाले बंदे को मार तो दिया था, लेकिन मेरे भाई मुझे क्या पता था इसकी पूरी की पूरी टीम मेरे ऊपर अंधा रस करेगी। टाइगर का खेलते हो यार, सीरियसली लगता है इन बंदों ने कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया था। चलो भाई। तो और भाई लोग क्या हालचाल है यार, सब बढ़िया हो ना यार। तो भाई लोग फाइनली तुम्हारा भाई लेके आ चुका है एक और नया मजेदार सा गेम प्ले लेके। भाई लोग आप सभी को सच्ची सच्ची वाली बात बताऊं, ये वाली गेम प्ले की ना मैं बिल्कुल भी झूठी तारीफ नहीं करने वाला। अब ये वाले गेम प्ले में जितने भी सीन हुए हैं उन सभी को देखने के बाद तुम लोग भी कहोगे टाइगर भाई ये वाला सीन सच में जोर था। सच बताऊं जब मैं बंदों से फाइट कर रहा था तब मेरे को भी लग रहा था भाई अब मैं यहाँ पर नहीं बच सकता, लेकिन तुम्हारे भाई ने जो गेम प्ले निकाला है बस आप लोग खुद देखना मजा आ जाएगा। फिलहाल तो हम लोग उसी रणभूमि में आ चुके हैं जहाँ पर दवा के महायुद्ध चलता है। चलो भाई फिलहाल तो उतरते ही गन्स वगैरह मिल चुकी हैं, अब बस बंदे हत्ते और चढ़ जाए, फिर देखो तुम्हारा भाई क्या करता है। अभी वाले भैया जी को मैंने जैसे ही नॉक करा तभी देखिए क्या हुआ। कैसे बंदे हैं यार, चीकू को लूटा लाटी तो करने देते, कौन सा गन मिलने के बाद वो तुम्हें मार देती है। चलो कोई बात नहीं, मैं लूटा लाटी कर लेता हूँ फिर देखते हैं आखिर करना क्या है। देखो ये सामने वाला घर है ना, इसमें कुछ बंदे हैं और यहाँ पर मैंने उतरते ही एक बंदे को नॉक भी दिया था जिसका मुझे अभी तक किल भी नहीं मिला, तो मैंने सोचा क्यों ना इनके ऊपर रस कर दिया जाए। अब भाई लोग आप लोग समझो वो खतरनाक सीन शुरू हो चुके हैं जिसके बारे में मैंने आप सभी को बताया था। अब आप लोग बस देखते जाओ यहाँ पर क्या होने वाला है। यहाँ पर मेरी हेल्थ एकदम कम हो चुकी है और तुम्हारा भाई अब इतनी ही हेल्थ में फाइट करने वाला है। यार सच बता रहा हूँ एक पल के लिए तो लगा अब मेरा काम खत्म हो जाएगा, लेकिन इतनी हेल्थ में भी तुम्हारे भाई ने सबको संभाल लिया। अब देखो भाई लोग ऐसे सीन अभी भी बहुत सारे आने वाले हैं। वहां से निकल के हम लोग यहाँ आ गए थे क्योंकि यहाँ पर काफी सारे बंदे आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, तो हमने सोचा चलो हम भी कर लेंगे थोड़ा थोड़ा सा, है ना। यहाँ पर मैं सोच रहा था सामने वाला बंदा मेरे ऊपर फायर करेगा और मैं तो तलवार लेके खड़ा हूँ तो मेरे को कुछ नहीं होगा और उसकी लोकेशन भी पता चल जाएगी, लेकिन उसने कुछ भी नहीं करा भाई। क्या फिनिश किया, एक फुटस्टेप भी नहीं था, बताओ वहां पे छुप के खड़ा था वो। यार भैया ना तो मेरे पास यहाँ पर वेस्ट थी ना हेल्थ थी और सामने वाले बंदे के पास डीवीएस थी। सच बताओ मुझे लगने लगा था अब मैं यहाँ पर नहीं बचने वाला। अब आप लोग ही मुझे कमेंट करके बताओ आपको क्या लगा था, क्या मैं यहाँ पर बच पाऊंगा या फिर मार दूंगा, सच सच बताना ठीक है। और हाँ भाई लोग मुझे ना आप सभी से कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी, कर लूँ क्या यहीं पर, चलो कर ही लेता हूँ। देखो यार आप सभी को तो पता ही है कुछ टाइम पहले मेरी तबीयत खराब हो गई थी, जुकाम वगैरह हो गया था जिस वजह से मैं लाइव स्ट्रीम वगैरह ही कर रहा था कभी कभार और मैं गेम प्ले वगैरह नहीं डाल पा रहा था। और इस चक्कर में क्या हुआ, यूट्यूब ने मेरी गेम प्ले की रीच डाउन कर दी जिस वजह से पहले जैसे अब व्यू ही नहीं आ रहे। अब आप लोग ही बताओ मैं इतनी मेहनत करके गेम प्ले डालूंगा और व्यू ही नहीं आएंगे तो कैसे मजा आएगा यार, बताओ जरा। तो मुझे बस आप सभी से एक छोटी सी हेल्प चाहिए थी, करोगे ना मेरी जान। तो मेरी जान आप सभी को कुछ नहीं करना, अगर आप सभी ने अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया था तो दबा दो मेरी जान, ताकि यूट्यूब मेरी वीडियो को और भी ज्यादा आगे भेजने लगे और मेरी वीडियो पर पहले जैसे काफी अच्छा रिस्पॉन्स आने लगे। और आप लोग तो चाहते हो ना आपका भाई और भी आगे बढ़े, अच्छी अच्छी वीडियो लाए, तो इतना तो बनता है यार, कर दिया करो मेरी जान। हाँ तो अब देखो जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ तभी मैं देखता हूँ स्कूल अपार्टमेंट में कुछ बंदे रिकॉल होके उतर रहे हैं।
यार ऐसे सीन होने के बाद तो छत पे चढ़ने में भी डर लगने लगा है। मजाक नहीं यार, छत पे तो इतने सारे बहनों ही बैठे हैं और मैं गलती से चला गया और उन्होंने मेरे साथ धप्पा कर दिया। चलो कोई बात नहीं, अब मैं डायरेक्ट अपार्टमेंट में ही जाऊंगा। अरे यार ये मेरा पैर कहाँ फंस गया था यार, बीच में गिरा दिया। वैसे आप लोग को क्या लगता है, अपार्टमेंट में बंदे हैं क्या ये वाले अपार्टमेंट? भी चलो ठीक है कि मैं इसमें तो कोई नहीं लग रहा यार, लेकिन सामने वाले अपार्ट में है बंदे। अभी मेरे पास रिंग लाइट में स्टैंड, तुम पहले बंद कर। यहाँ पर तुम्हारे भाई को पूरे के पूरे 3 किल मिले। एक बंदा और था जो नॉक पड़ा था, उसको भी मार देता तो पूरे 4 मिल जाते यार। यार वो बंदा फिनिश नहीं हो पाया, क्या लगता है मेरे किल का लॉस हो जाएगा क्या या फिर वो फिनिश हो जाएगा? खैर अभी तुम लोगों को मैं एक सीन दिखाने वाला हूँ जो एकदम खतरनाक सीन है, तो जरा ध्यान से देखना ठीक है। टाइगर का खेलते हो यार, सीरियसली तुमने 2 बार ही क्लच किया? 2 बार नहीं किया यार, 3-4 बार हो गया है ना भाई लोग। चलो कोई बात नहीं, बच गया जैसे तैसे। अब ये वाले बंदे को मैं देख तो नहीं पाया, लेकिन ये कहीं ना कहीं छत पे तो चढ़ा है। यार सबके सब यहीं पर डोल रहे हैं, लेकिन साला दिख कोई नहीं रहा, कोई तो हद्दे चढ़ जाओ यार। यार मैं अकेला आदमी कहाँ फंस गया, यहाँ पर चारों तरफ बंदे ही बंदे हैं और मुझे अब समझ नहीं आ रहा मैं नीचे जाऊँ या फिर ऊपर जाऊँ, मतलब करूँ क्या मैं? एंट्री थोड़ी कैसी? अब देखो यार तुम्हें भी पता है मुझे भी पता है, शॉटगन के आगे कोई बोल सकता है क्या? खैर तुम्हारे भाई का रिकॉल बाकी था तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, और मेरा प्लेन पाथ भी स्नाय से ही जा रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं दोबारा से यहीं पर कूदूं और मैं वापस से अपार्टमेंट में ही आ जाता हूँ। किस्मत देख रहे हो, उतरते ही तुम्हारे भाई को यहाँ पर 2 किल और मिल गए और इसी के साथ मेरे हो जाते हैं 17 किल। अब मेरे ठीक सामने वाले अपार्टमेंट में कुछ बंदे थे और मैं इनको मारने का प्लान बना ही रहा था, और आप लोग जरा यहाँ पर ध्यान से देखना। जल्दी
जाके तो देखो। नॉक पड़ा है, नॉक पड़ा है, अब उसको रिवाइव दे रहा है। यार मेरे पास कोई शब्द नहीं है, कोई अल्फाज नहीं है, अब मैं करूं क्या यार, आप लोग ही बताओ। यार सच बताओ, मैं बोलता डीवीएस को बैन करो, लेकिन मैं ये भी नहीं बोल सकता क्योंकि डीवीएस से मैं भी बहुत सारे बंदे मारता हूं। अब देखो यार, मारते हैं तो मरना भी पड़ता है ना कभी कभी, और शॉटगन के आगे भाई कोई नहीं बोल सकता। खैर कोई बात नहीं भाई लोग, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना आप सभी को आज का गेम प्ले कैसा लगा। और हाँ, अगर आप सभी ने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया था तो कर दो मेरी जान। और हाँ भाई लोग, अगर आप सभी लोग मुझसे बातें करना चाहते हो, मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, वहां पर मैं काफी सारी मस्ती करते रहता। तो बस भाई लोग, यही थी आज की वीडियो जो कि आप सभी ने देख ली। तो खैर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।